फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र के गांव ओखरा निवासी साहिब खां पुत्र नसीब अली खां ने 13 जून 2018 को हिंदुओं के विशेष पूज्य भगवान श्री राम की फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट डाली, जिसमें उनके चेहरे के स्थान पर कुत्ते का मुंह लगा दिया गया। इसके अलावा उन्हें कुत्ता राम कहकर संबोधित किया। यह जानकारी देते हुए अपमान देख गांव के ही मुन्ना लाल कुशवा पुत्र सोनपाल सिंह ने युवा हिंदू साथियों संघ थाना नारकी में तहरीर दी, जिस पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नारकी एसओ ने बताया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वो मोबाइल भी बरामद कर लिया है, जिसके नाम से सिम ली गई है, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। टूला से ब्रजपाल सिंह परमार की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। क्या नाम है मासाब आपका? डॉक्टर मुन्ना लाल कुशवा, निवासी ओखरा। जो आपके गांव में जो ये जो झगड़ा हुआ है, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? इस शायद लड़के ने श्री भगवान राम की पोस्ट डाला था, उस पर कुत्ते का मुंह लगा के लिखा था कि हर हिंदू बोले श्री राम नहीं कुत्ता है, जय श्री राम, जय कुत्ता श्री राम, हाँ जय कुत्ता श्री राम, यही बोला था। अच्छा, इस मामले में फिर आपकी आगे क्या कार्रवाई रही है? हाँ, उसके बाद में उसके घर पर गए उसे समझाने के लिए, तो उसने बात तो हमारी नहीं सुनी, गाली गलौज किया और मारने से धमकी दी। फिर आप कहाँ पर आए? थाने आए। तो इसमें एसओ साहब ने आपसे क्या आश्वासन दिया? ये कहा तहरीर दे दो, हम मुकदमा कायम करेंगे, वैसी ये हरकत आगे नहीं हो, आश्वासन दे के आएंगे। कल शाम को 8:49 पर एक गलत धार्मिक पोस्ट डाली गई थी और ये मसला है थाना नारकी क्षेत्र के ओखरा गांव का। धार्मिक गलत पोस्ट डाली गई थी और दो संप्रदायों में थोड़ी सी तनाव की स्थिति आई थी, लेकिन अब कोई बात नहीं है, अभी भी गिरफ्तार कर लिया गया है, मोबाइल फ़ोन बरामद हो गया है, जिसके नाम से सिम है वो दूसरा व्यक्ति है, आईडी भी फेक बनाई गई है और उसका भी अब अलग से एप्लीकेशन मिल रहा है, जिसके नाम से उन्होंने आईडी बनाई है, उसके वो भी मुकदमा कायम किया जाएगा और इनके खिलाफ़ जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी शांति व्यवस्था बिल्कुल कायम है, किसी प्रकार की